खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी में सरकार ने दो ऐसे फैसले लिए हैं जिससे दिवाली के पहले कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल बन गया है। गम वाला फैसला यह है कि सरकार ने 25,000 होमगार्ड्स की छटनी कर दी है। ऐसा सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए किया गया है। लेकिन दूसरा फैसला अच्छा है क्योंकि सरकार 14 लाख कर्मचारियों को देने जा रही है दिवाली पर बोनस। दिवाली से अक्टूबर की सैलरी भी आएगी और बोनस भी। तो दो फैसले योगी सरकार के, एक से 25,000 होमगार्ड्स बेरोजगार हो गए तो दूसरे फैसले से 14 लाख कर्मचारियों को मिलने जा रही है दिवाली बोनस की सौगात। तो कहीं खुशी है तो कहीं गम है। कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस। 14 लाख कर्मचारी हैं जिन्हें सैलरी के साथ साथ दिवाली पे बोनस मिलने जा रहा है। तो योगी सरकार के एक ही फैसले से 25,000 होमगार्ड्स बेरोजगार हो गए हैं। 14 लाख कर्मचारियों के बोनस पर तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन होमगार्ड की छटनी पर चुप्पी साध ली है सरकार के बड़े अफसरों ने। अयोध्या के हालात देखने गए और प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी ओपी सिंह से पूछा गया, लेकिन वो चुप ही रहे। मेरे साथ अवनीश अवस्थी साहब हैं। सर, यूपी सरकार 25 सभी कर्मचारियों को जो है बोनस देने जा रही है दिवाली के मौके। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सभी कर्मचारियों को बोनस और तनख्वाह भी दिवाली से पहले दे दी जाए जिससे कि दिवाली सही रूप से मनाई जा सके। सर, इसी बीच में 25,000 जो होमगार्ड्स हैं उनको भी जो छटनी करने का फैसला सरकार ने किया। जी आइए चलिए। सर, होमगार्ड्स पे क्या डीजीपी साहब से बात करने की कोशिश। सर, 25,000 होमगार्ड्स को निकालने का फैसला किया गया है, क्या कहेंगे बताएंगे? तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जब बोनस की बात आ रही है तो अधिकारी खुल के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश है और ये सबके लिए तोहफा है, लेकिन होमगार्ड की छटनी के सवाल पर डीजीपी और मुख्य सचिव गृह कुछ भी कहने को राजी नहीं है। अपने सहयोगी पुनीत और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज अयोध्या। तो होमगार्ड्स की छटनी को लेकर अफसरों ने चुप्पी साधी हुई है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर अयोध्या में ऐसे होमगार्ड से मिले जो भारी निराशा में घिर गए हैं। किसी तरह से होमगार्ड में आ गए, दैनिक भत्ता भी बढ़ाया गया, लेकिन अब तो नौकरी भी चली गई। कहानी है अभिषेक जायसवाल की। उत्तर प्रदेश में बजट की कमी का हवाला देते हुए योगी सरकार ने 25,000 होमगार्ड से ड्यूटी ना लेने का फैसला किया है। लेकिन एक होमगार्ड का दर्द क्या होता है, अगर ये समझना हो तो इस 10x10 के कमरे को देखिए। ये एक होमगार्ड का कमरा है। अयोध्या के रहने वाले अभिषेक जायसवाल भी उस सूची में शामिल हैं जिस सूची में होमगार्ड्स को निकालने का आदेश जारी किया गया है। 25,000 होमगार्ड्स हैं और अगर इस घर की आपको हालत दिखाऊं तो ये एक कमरा है जिस एक कमरे में अभिषेक जायसवाल का परिवार रहता है। इसी कमरे में एक छोटा सा पूजा घर है। इस पूजा घर के अलावा ऊपर म्यूजिक सिस्टम है। ये देखिए, इस तरह से किचन का सामान एक बक्से के ऊपर रखा हुआ है। इसमें जो घर के किचन के सामान हैं वो इस अलमारी में रखे हुए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि घर के अंदर ही कपड़े टांगने के लिए इस तरह से रस्सी बांधी गई है और इसी छोटे से कमरे में एक पाइप लगाकर यहाँ पर बर्तन धुलने का इंतज़ाम भी किया गया है। तो इस तरह से 10x10 के कमरे में जो अभिषेक रहते हैं, इस अलमारी को देखिए, इसके ऊपर एक फोल्डिंग की चारपाई है और उसके ऊपर गद्दा रखा हुआ है, यानी पंखे का जो हवा है वो भी गद्दे की यहाँ पे होने की वजह से पूरी तरह से नहीं आता होगा। तो ये छोटा सा कमरा एक होमगार्ड का है और इस तरह के हालात में रहकर यूपी सरकार के लिए होमगार्ड्स 12 घंटे से लेकर 8 घंटे अलग अलग ड्यूरेशन में काम करते हैं। मेरे साथ अभिषेक जायसवाल हैं जिनको आज कहा गया है कि आज से उनको ड्यूटी नहीं देनी है। अभिषेक, वर्दी में हैं आप, अभी आप ड्यूटी से आ? सर जी सर। तो अब क्या कहा गया आप? सर, आदेश तो यही हुआ कि आज से आप लोगों की ड्यूटी समाप्त कर दी गई है और आप लोग अपने घर जा सकते हैं। सर, सर कुछ सूचना आप लोग को मिली कि कितने लोगों को निकाला? सर, सूचना के आधार पर क्या न्यूज़ में हम लोगों ने देखा था और आदेश। आपके साथ के कितने लोगों को निकाला? साथ के हमारे सर अभी यहाँ पे फैजाबाद जनपद में लगभग अतिरिक्त में 120 ड्यूटी निकली थी सर, तो 120 लोगों को आज ये आदेश जारी किया गया है कि आप लोग अपने घर जा सकते हैं और आज से आप लोगों की ड्यूटी समाप्त है। सर, कितना पैसा मिलता था पहले? सर, पहले 500 रुपये पर डे के हिसाब से सर 15,000 रुपये महीने मिलते थे। कितने दिन की ड्यूटी मिलती थी महीने में? सर, लगभग रेगुलर ड्यूटी चलती थी यहाँ पे महीने भर। जी सर। सर, लेकिन अब जब आपको निकालने का फैसला सरकार ने कर लिया तो अब क्या विकल्प है, क्या करेंगे? विकल्प सर, अब मजदूरी के अलावा और कोई चारा नहीं है सर।
या फिर और कोई दुकान में किसी जॉब में करें या कोई और डेली बेसिस का काम करें, यही जरिया है सर। ज्वाइनिंग कब की थी आप? सर 2011 में। सर तो ये 8 साल से आप लगातार सरकार को सेवाएं दे रहे हैं, कभी सोचा था कि सरकार इस तरह से एक दिन आदेश जारी करेगी और कहेगी घर बैठ जाओ? नहीं सर, सोचा तो नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा, देखना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो है आदेश ऐसा जारी हुआ सर, 25,000 लोगों को तो निकाला ही, इससे पहले भी सर 16,519 लोगों को भी ड्यूटी समाप्त की गई है। और ये बताया गया था कि 25,000 ड्यूटी समाप्त नहीं की जाएगी, लेकिन एकाएक आदेश जारी किया गया कि 25,000 ड्यूटी और भी कम की गई सर। अच्छा, यूपी सरकार सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बोनस भी दे रही है, तो एक तरफ बोनस और एक तरफ छटनी, क्या लग रहा है कि मतलब क्यों हुआ? अब सर हमको लोगों को तो यही बताया गया है कि सर विभाग में बजट नहीं है, बजट ना होने की वजह से ये ड्यूटियां कम की गई है। अब सरकार की क्या मंशा है ये तो सरकार ही जाने, बाकी हम लोगों को जो आदेश किया गया उस आदेश का पालन किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही करना चाहेंगे कि इस चीज़ को ये ना देख करके कि 25,000 ड्यूटियाँ कम की जा रही हैं और बजट का की कमी होने की वजह से ड्यूटियाँ ख़त्म की जा रही हैं, ये 25,000 होमगार्ड नहीं, ये 25,000 होमगार्ड परिवार की समस्या है और इस परिवार की समस्या से वो लगातार जूझ रहे हैं। और इस समस्या को अगर मुख्यमंत्री महोदय अगर साल करने आपके 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 इसी अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है, भव्य तरीके से दिवाली मनाई जा रही है, आप लोगों की दिवाली कैसे मनी? सर इस बार तो उम्मीद कम दिखाई पड़ रही है, और सुनना ही पड़ रहा था कि अब की बार वेतन लोगों को एडवांस में पहले ही दिया जाएगा, लेकिन अब की बार तो हम लोगों को नहीं लग रहा है कि हम लोगों का वेतन मिल पाएगा।